भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को विकास का स्वर्ण काल ठहराते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने पत्रकार वार्ता में कई विषयों पर चर्चा की। इस वक्त वे देश में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का विचार है और साथ ही रोजगार संबंधी विषय पर भी बोल रहे थे। मालूम होगा कि हमारे शहर में इलेक्ट्रिक बसेस आई, पहले इथेनॉल बस आई, अब तो मैं एक स्कीम बना रहा हूँ कि मेरा एक सपना है कि एक आने वाले 5-7 साल में पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। अभी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मैं शेगांव लेके जाते हैं तो और 2 बसेस ला रहा हूँ मैं, और फुकट में शेगांव माहूर सीनियर सिटीजन जाएंगे, एक दिन पत्रकारों को नहीं रखेंगे। रोजगार और स्वयं रोजगार, अभी मैं बताने के लिए भूल गया, नागपुर में ही केवल मिहान में 68,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। मैं फैक्ट्री वाइज आपको आंकड़ा दूंगा, और आने वाले समय में भी 10 साल पूरे होने के पहले मैं आपको 1 लाख पूरा कर दूँगा। रही बात सरकार ने रेलवे में पुलिस में सब जगह ओपन करके आदेश दिया है कि आपके पास जितनी वेकेंट जगह है उसकी तरफ। दूसरी बात, जब रोड में 60% रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है तो इसका मतलब आज बड़े प्रमाण पर रोड में रोजगार नहीं बढ़ रहा। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का इंडस्ट्री दुगनी हो गई तो नेचुरली जितने बनेंगे उतना रोजगार निर्माण होगा।